नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रेटा के साथ जो एयर प्यूरिफायर आता है उसका फिल्टर कैसे चेंज करते हैं, उसका परफ्यूम को कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो वाला चीज़ दिखाने वाला हूँ। और मैं आज जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ वो क्रेटा ऑटोमेटिक वालों में ऐसा आता है। मैंने मैनुअल वाला जो क्रेटा, मैनुअल गियरबॉक्स वाला, उसका सेटअप थोड़ा अलग दिखा है मुझे। तो आज मैं जो बात करूँगा वो सारा ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट्स के लिए है। मैनुअल वाले पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कैसे चेंज करना है। हमेशा आप जब भी आपका एयर प्यूरिफायर ऑन है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये ऑन है। ऑन है तो ये नंबर यहाँ पे शो करते रहेगा। और एयर प्यूरिफायर को मैं जाने के लिए मैं ये जो शॉर्टकट बटन है उससे एयर प्यूरिफायर को सेट करके रखा हूँ। इसको क्लिक करते ही वो एयर प्यूरिफायर खोल देता है, नहीं तो यहाँ से राइट स्वाइप करता हूँ तो ये वाला जो आइकन है वो एयर प्यूरिफायर का आइकन है। इसमें क्लिक करता हूँ तो भी एयर प्यूरिफायर के अंदर जाता है। तो अभी ऊपर सेक्शन का बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ऑन ऑफ़ करने का बटन मिल जाता है, इससे हम लोग ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये तीन मोड है, ऑटो आपका जो कैबिन का जो एयर क्वालिटी है उसके हिसाब से फैन स्पीड को कंट्रोल करेगा। अगर एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, बहुत डस्ट है तो ये टर्बो में चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फैन स्पीड रहेगा। और नॉर्मल है तो थोड़ा कम फैन स्पीड रहेगा टर्बो के हिसाब से। तो जनरली मैं ऑटो में ही रखता हूँ, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। और ये तीनों टचेबल नहीं है, इसको हम इससे चेंज करना पड़ता, वो उसमें बाद में जाते हैं। इस साइड आपको AQI नंबर दिखेगा और ये उसका इंडिकेटर। जब भी ये AQI बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब आई थिंक 100 से 150 के ऊपर जाने से ये वाला जो है अभी ग्रीन दिख रहा है, ये आपका येलो हो जाता है। और ये नंबर जब 300 के ऊपर जाता है तब ये रेड हो जाता है। और ये परफ्यूम का इंडिकेटर है। अभी गाड़ी में परफ्यूम है लेकिन मैंने ओपन नहीं किया, इस वीडियो करने के लिए रख दिया था। मोड में आएंगे तो इसको क्लिक करने से हमारा ये जो मोड है उसमें से चेंज होते रहता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अभी नॉर्मल मोड है, आप देख सकते हो कि कुछ नॉइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ है। जब भी मैं टर्बो में डालूंगा नॉइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको आप शायद सुन सकते हो कि बहुत ज़्यादा फैन का आवाज़ आ रहा है। ये इसका टर्बो ऑन हो गया, मैं मोस्टली ऑटो में ही रखता हूँ। अभी ये वाला जो बटन है इससे आपका जो ये पीछे वाला डिस्प्ले है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये जो पीछे वाला डिस्प्ले है उसको ऑन ऑफ करने के लिए है, इसको लॉक करने के लिए सॉरी। तो अभी उधर लॉक है तो यहाँ पे ये रेड वाला आइकन दिखेगा और यहाँ से मैं कुछ भी करूँ वो कुछ काम नहीं करेगा। ये जो लॉक है यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, उसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले उधर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से मैं अनलॉक कर दिया, अभी देखो इधर से भी काम करेगा। और ये जो है इसको प्रेस करने से आपका जो रियर स्क्रीन है वो बंद हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ पावर और लॉक वाला दिख रहा है, ये अभी बंद है लेकिन इसको टच करोगे तो वापस से आ जाएगा। तो और ये जो फिल्टर है इससे आपको जो इसके अंदर जो फिल्टर है उसका कितने टाइम के बाद क्लीनिंग करना है वो आप यहाँ से, मतलब एक टाइम इंटरवल जैसे दिया हुआ है इन्होंने, अभी बोल रहे हैं 4:33 आवर के बाद हमें उसको एक बार वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लेना चाहिए। ये एक मुझे नहीं लगता ये जो फिल्टर है उसके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करके नंबर आता है, ये शायद उन्होंने बस एक टाइम इंटरवल सेट करके रखा है, उस टाइम इंटरवल के बाद उसी टाइम इंटरवल के हिसाब से ये चल रहा है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगे कि AQI का नंबर बहुत ज़्यादा है और एयर प्योरीफायर का फ़ैन बहुत स्पीड से घूम रहा है, टर्बो मोड में भी घूम रहा है, फिर भी AQI कम नहीं हो रहा है, तो शायद आपका फ़िल्टर क्लीन करना पड़ेगा। ये तो गया एयर प्योरीफायर का, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। अभी पीछे वाले स्क्रीन पे जाते हैं तो अभी ये पीछे वाले डिस्प्ले पे आता है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। हेलो ब्लू लिंक, क्लोज सनरूफ। सनरूफ के लिए इतना लाइट आ रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे AQI दिखेगा, वहाँ पे देख सकते हो 91 दिख रहा है, अभी यहाँ पर भी 91 है। अभी दरवाज़ा खोला था थोड़ा टाइम के लिए तो इसके लिए थोड़ा डस्ट ये सब घुस गया। तो ये देखो, हाँ 100 के ऊपर होने से ये येलो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ।
अभी फिर से 100 है, या 100 के नीचे होने से ये ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको 4 बटन मिलते हैं, ये वाला टच स्क्रीन है पूरा, और इस साइड में आपको मोड मिलेंगे। अभी जैसे ऑटो मोड है, इसको अगर चेंज करता हूँ तो इधर टर्बो नॉर्मल भी आएगा। जैसे अभी मैंने, अच्छा पहले तो ये लॉक है, लॉक दिखाता हूँ कैसे खोलते हैं। तो ये जो लाल बटन है मतलब यहाँ से टच काम नहीं करेगा, लेकिन आप ये जो लॉक है उसको प्रेस करके रखोगे तो ये हट जाता है। तो मतलब ये अभी खुल गया, यहाँ से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी मैं मोड दबाता हूँ, बहुत धूप आ रहा है, मोड दबाता हूँ तो देखो चेंज हो गया, नॉर्मल मोड में आ गया, टर्बो में आ गया। आप फैन स्पीड सुन सकते हो, ये फिर से ऑटो हो गया, ये गया इसका। और यहाँ से भी हम लोग इसको लॉक कर सकते हैं, इसको दबा के रखना है, सेम जैसे उस टाइम पे दबा के रखा तो अनलॉक हो गया, अभी फिर से लॉक हो गया। और ये पावर बटन है, यहाँ से हम लोग पूरा ऑफ भी कर सकते हैं उसको। तो ये था रियर स्क्रीन इसका। चलिए मैं आपको अभी ये फिल्टर कैसे चेंज करते वो वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पे खोलते ही जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये वाला जो सेटअप दिख रहा है आपको, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट वाला सेटअप है। मुझे मैनुअल पे वो थोड़ा डिफरेंट दिखा, जैसे ये दो हुक नीचे थे, ये एयर प्योरीफायर एकदम पतला इतना सा था। तो डिपेंड करता है, मुझे जहाँ तक लगता है जो ऑटोमेटिक वेरियंट्स है इसका सेटअप इसके जैसे एग्जैक्टली रहेगा। को खोलने के लिए आपको इस ये दोनों को पकड़ के ऐसे इसको खोल देना, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये फिल्टर मिल जाएगा। तो ये फिल्टर अभी देख सकते हो क्लीन है, कुछ गंदा है नहीं। तो इसको हम लोग वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। अभी इसको हटा दिया तो यहाँ पे आपको वो फैन दिखेगा, हवा ये दोनों साइड से लेता है, लेके यहाँ से हवा आता है आके इस फिल्टर के थ्रू, फिल्टर होके फैन के थ्रू सामने से और ऐसे पीछे से निकलता है। तो ये रहा एयर प्योरीफायर का फिल्टर, कैसे लगाते हैं मैं दिखाता हूँ बाद में, उससे पहले मैं परफ्यूम दिखाता हूँ कैसे ऑपरेट करना। तो परफ्यूम के लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा होल्ड करके रखना है, करके यहाँ से दो ये लेके आपको इसको ऊपर की तरह खींचना है। जैसे मैं बोल रहा था जो मैनुअल वाला वेरिएंट दिखा था उसका एयर प्योरीफायर इतना ही था, ऐसे इतना सा पतला सा था, इसमें थोड़ा बड़ा वाला है। ऑटोमेटिक में ऐसा ही रहेगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा, और इवन उसमें भी खोलने का जगह वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही होगा। तो ये जो एयर प्योरीफायर का जो परफ्यूम है, ये 4 जो डोर दिख रहे हैं आपको, इसके नीचे यहाँ पे होल्स है। तो उस होल से क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आ रहा है तो दिखा देता हूँ, ये वाला जो होल है इससे वो परफ्यूम वहाँ पे जाके निकलेगा बाहर की तरफ। ये जो होल है और ये जो इधर जो होल है वो अलाइंड है एक्चुअली। अब जब मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो दोनों एक साथ अलाइन हो जाएंगे। अभी ये बंद है बोल के यहाँ से कोई परफ्यूम नहीं निकल रहा, अगर मैं इसको खोल दिया तो यहाँ से परफ्यूम निकलेगा और ये फैन उसको स्प्रेड करेगा। अभी यहाँ पे 4 डोर है, अगर मैं एक खोलता हूँ तो धीरे धीरे निकलेगा, चारों खोल दिए एक साथ तो बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस रहेगा, मुझे उतना स्ट्रांग चाहिए नहीं, मैं यहाँ से एक ही खोलता हूँ। तो खोलने के लिए ये जो है ना, इसके नीचे की तरफ से आप ऐसे नाखून से या किसी शार्प चीज़ से आप उसको उठा सकते हो, ऐसा करके उठेगा। तो इसको फिर आप ऐसे निकाल दो, ऐसा एक पीस निकलेगा। तो ये देख रहे हो आपको यहाँ पे एक होल बन गया जिससे परफ्यूम निकलता है, और इसको मैं जब डाल दूंगा, इसको मैं जब लगा दूंगा, ये इसके साथ अलाइंड हो जाएगा। मुझे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं चाहिए इसलिए मैंने एक ही खोला, आपका अगर ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए तो आप मल्टीपल खोल सकते हो। इसको अभी ऐसे ही इसको नीचे की तरफ प्रेस कर देना, ऐसे रख के हल्का सा ऐसे प्रेस कर दो, ये अलाइन हो गया। तो ये जो फिल्टर है उसमें आप देखोगे तो मोस्टली चारों तरफ सेम है, एक्सेप्ट ये पार्ट में थोड़ा ऊंचा सा है, एक ब्लॉक जैसा है यहाँ पे, और ये वाला ब्लॉक यहाँ पे लगना चाहिए, नहीं यहाँ पे क्लिक जैसा आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। ये जब ऐसे बंद नहीं रहता तो सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि इसमें फिल्टर है, तो वो ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसको हमेशा याद रखना, इसको नीचे की तरफ ही रखना है, इसको नीचे नहीं रखोगे तो आपको ढंग से घुसा भी नहीं पाओगे। जैसे मैं उसको मान लो ऐसे लगाने का कोशिश करता हूँ तो ये फंस रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो अटक रहा है। तो ये वाला जो ब्लॉक है इसको हमेशा इधर ही रखना है, इसको ऐसे पकड़ के लगा दिया। अब इसका कवर लगाएंगे, अभी कवर लगा देते हैं, वही कवर का इसको नीचे ऐसे करके थोड़ा प्रेस कर दो, लग गया कवर। अभी मैं कुछ वीडियोस में देख रहा था, उनका यहाँ से वायर एक्सपोज्ड है, ये ऐसे जब भी खींचते हो तो इससे भी ज़्यादा जाता है, पर कोइंसिडेंटली मेरे इसमें ऐसा नहीं है।
आप एक बार सर्विस सेंटर से बात कर लो कि वो एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे इसमें ऐसा नहीं है। तो ये एक चीज़ था मुझे शेयर करना, इसको लगा देता हूँ। अभी परफ्यूम भी खोल दिया, देखते हैं। तो ये था क्रेटा का जो एयर प्यूरीफायर है, उसका फ़िल्टर कैसे चेंज करते हैं, उसका परफ्यूम कैसे चेंज करते हैं, उसको खोलते कैसे हैं, उसका वीडियो आपने यहाँ तक देख ही लिया। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों से शेयर कर दो। और आपको अगर कुछ जानना है इसके बारे में और, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू।